हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ वांट्स मोर में। मैं मोहम्मद हजर आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप नील जीएसटी R3 भी फाइल कर सकते हैं इजीली बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले आपको gst.gov.in पर लॉगिन करना है और उसके बाद इस लॉगिन लिंक पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, आपके जीएसटी का रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल ले रहा हूँ, आप भी यहाँ से आपका यूजर आईडी और रजिस्टर्ड पासवर्ड डाल। मैंने पासवर्ड डाल लिया है। अब इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आपको सेम बिल्कुल उसी तरह डालना है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। अब हम लॉगिन कर चुके हैं, अब सर्विसेज टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में रिटर्न्स पर आना है और रिटर्न्स डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रिटर्न्स डैशबोर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मुझे ये अभी अप्रैल चल रहा है, 2 अप्रैल 2022, तो मुझे मार्च का रिटर्न फाइल करना है। तो मैं सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चुन ले रहा हूँ। आपको जिस भी महीने का जीएसटीआर फाइल करना होगा, आपको उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, जनवरी से मार्च का Q4 में दिखा रहा है, इसके लिए मैं Q4 सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने मार्च महीना सिलेक्ट कर लिया है। अब सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर GSTR 3B का ऑप्शन दिखा रहा है। ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2022, आज है 2 अप्रैल, तो मैं पहले ही फाइल कर रहा हूँ। तो चलिए फाइल करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अब प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते ही GSTR 3B का फॉर्म आ जाएगा और उसका सबसे पहला सवाल ही यही रहता है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। क्योंकि मैं नील रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं यस पे सिलेक्ट कर दूंगा और यस पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GSTR 3B की एडवाइजरी मैसेज दे रहा है। ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में सिंपली आई ईयर बाई को जो है कंफर्म कर देना, सोलमनी अफर्म करके उस पर टिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी जो है उस पर आपका नाम सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी आपके होंगे उनका नाम सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर फाइल GSTR 3B with EBC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब EBC वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको OTP आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे, और ये OTP अभी यहाँ पर हम लोग को एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अपना OTP देख लेता हूँ, मुझे कोई ईमेल आया है कि नहीं GST वेबसाइट की तरफ से। जी हाँ, आ गया है, 1 time password for EBC signature। तो यहाँ से मैं अपना 1 time password कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से अपना 1 time password कॉपी कर ले रहा हूँ। और उसके बाद में फिर मैं नील जीएसटी के वेबसाइट पे आके OTP डाल दे रहा हूँ और फिर वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए, ये फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है हमें, GSTR 3B फॉर द पीरियड March 2022 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन 2 अप्रैल। तो इस तरीके से आप नील GSTR 3B आसानी से फाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल इसी तरह की टेक वीडियोस पाने के लिए।